मैंड्रिन कॉलर ब्लाउज शायद सबसे सुंदर और कालातीत ब्लाउज में से एक है। यह आपकी साड़ी के लिए शानदार है और सहजता से आपकी स्टाइल को बढ़ा देते हैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम के लायक वेडिंग आउटफिट लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि टेम्पलेट से मैंड्रिन ब्लाउज के लिए कपड़े को कैसे काटें, अस्तर और मुख्य कपड़े को एक साथ कैसे जोड़ें, ब्लाउज के आगे और पीछे के टुकड़े को कैसे जोड़ें, पाय स्ट्रिप्स के साथ हेमिंग कैसे करें, जिप कैसे लगाएं और अंत में सबसे जरूरी यानी कॉलर कैसे बनाएं। आवश्यक सामग्री: 1 मीटर सीकुन का कपड़ा 45 इंच चौड़ा, लाइनिंग के लिए 1 मीटर सैटन का कपड़ा 45 इंच चौड़ा, 1/4 मीटर मोटी इंटरलाइनिंग फ्यूजिंग। मैंड्रिन ब्लाउज के लिए टेम्पलेट जिसे आप हमारी वेबसाइट www.ushasu.com से डाउनलोड कर सकते हैं, 14 इंच का खुलने वाला मेटालिक जिपर, 2 हुक और आई सेट, बीडेड पिंस, चौक, नापने का फीता, स्केल, उषा जनोमी जिपर फुट, हाथ की सुई, कैंची और मैचिंग धागा। स्टेप 1, टेम्पलेट का निशान लगाना और काटना। चलो सीक्वन कपड़े से शुरू करते हैं। इसे खोलें और लंबाई में मोड़ के टेबल पर बिछा दें। सीधा हिस्सा आमने सामने हो। फिर www.ushasu.com से डाउनलोड किए गए मैंड्रिन ब्लाउज के टेम्पलेट को कपड़े पर रखें। दिखाए अनुसार सामने के टेम्पलेट को तह पर ऐसे रखें। फिर बैक टेम्पलेट रखें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैक टेम्पलेट को तह पर नहीं रखा है क्योंकि हमें बैक के दो अलग अलग टुकड़ों की आवश्यकता है। बचे हुए कपड़े पर कॉलर टेम्पलेट को रखें। सुनिश्चित करें कि आप कॉलर टेम्पलेट को सीम अलाउंस के साथ रखें। इन पर बीडेड पिंस लगा दें। चौक लें और कपड़े पर टेम्पलेट पर रख के निशान लगा लें। कपड़े पर सावधानी से निशान लगाएं। ये करने के बाद टेम्पलेट से पिन निकाल लें। टेम्पलेट्स निकालें और फिर से पिन लगा दें ताकि कपड़ा काटते समय सही जगह पर रहे। कैंची का उपयोग करें और कपड़े से टुकड़े काट लें। पहले फ्रंट को काटें और फिर कॉलर के साथ साथ बैक को भी काट लें। इसी तरह टेम्पलेट्स का उपयोग करें और साटन के अस्तर के कपड़े से आवश्यक टुकड़ों को काट लें, ठीक उसी तरह जैसे हमने वीडियो के लिए किया है। आपके पास फ्रंट, बैक और कॉलर का टुकड़ा होना चाहिए। जब आप ये सभी टुकड़े काट लें तो फ्यूजिंग को बाहर लाएं। फ्यूजिंग का उपयोग कपड़े को अतिरिक्त स्थिरता प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि यह शेप को बनाए रखे। हम इसका उपयोग कॉलर पर करेंगे। चमकदार हिस्सा उल्टा हिस्सा है जो कपड़े पर चिपकेगा। सीम अलाउंस कॉलर टेम्पलेट को फ्यूजिंग के सीधी तरफ रखें और चौक से निशान लगा लें। ध्यान दें कि यह टेम्पलेट उस कॉलर टेम्पलेट से थोड़ा छोटा है जो हमने सीक्वन कपड़े के लिए इस्तेमाल किया था। कॉलर का टुकड़ा काट लें। सावधानी से काटें क्योंकि घुमावदार टुकड़ों को काटना आसान नहीं होता।
आप बचे हुए साटन अस्तर के कपड़े को लें और इसे आधे हिस्से में मोड़ें, जैसा वीडियो में दिखाया गया है, और अतिरिक्त कपड़े को काट लें। अब इस कपड़े से बायस स्ट्रिप काट लें। कपड़े के किनारे से 1.5 इंच मापें और इसे चिन्हित करें। पूरे कपड़े पर ऐसा करें। ये करने के बाद चिन्हित बिंदुओं की सहायता से एक सीधी रेखा खींचने के लिए रूलर का उपयोग करें। स्ट्रिप को काट लें। तो अन्य स्ट्रिप्स के लिए इसी प्रक्रिया को दोहराएं। आपके पास कुल 3 बार स्ट्रिप्स होनी चाहिए। ये वो सभी टुकड़े हैं जिनकी आपको अपने मैंडरिन कॉलर ब्लाउज बनाने में आवश्यकता होगी। संक्षिप्त में, ये हमारा फ्रंट का टुकड़ा, यह कॉलर और उसकी फ्यूजिंग, बैक का टुकड़ा और बायस स्ट्रिप है। स्टेप 2, अस्तर कपड़े को सीक्वेंस फैब्रिक से जोड़ना और डार्ट्स बनाना। फ्रंट के टुकड़े को उसके अस्तर के साथ लें, पिन निकालें और कपड़े को खोलें। दिखाए अनुसार सीक्वन कपड़े के उल्टे हिस्से को अस्तर के कपड़े के सीधे हिस्से पर रखें। अब निशान के अनुसार अस्तर के कपड़े को मुख्य सीक्वन कपड़े के साथ फिक्स करने के लिए सब तरफ से सी लें। टुकड़ों को ऊषा वांडा स्टिच प्लस सिलाई मशीन पर ले जाएं। कपड़े को प्रेशर फुट के नीचे एडजस्ट करें। स्टिच सिलेक्टर डायल को ए पर और स्टिच लेंथ को 2.5 पर सेट करें। सिलना शुरू करें। जब आप किसी कोने में आए तो पिविटिंग टेक्निक का उपयोग करें, जहां आप कपड़े को मोड़ते हैं जबकि सुई कपड़े के अंदर ही रहती है। फ्रंट टुकड़े से लेकर आर्म होल, नेकलाइन और साइड्स तक सब तरफ सी लें। धागा काट लें। आपका फ्रंट टुकड़ा ऐसा दिखना चाहिए, लेकिन अभी तक यह पूरा नहीं हुआ है। एक बार फिर से टेम्पलेट लें और इसे आधे हिस्से पर रखें। नीचे 2 नॉच और केंद्र में डॉट देखें। ये डार्ट के लिए निशान है। चौक से टेम्पलेट पर इंगित डार्ट्स पॉइंट को चिन्हित करें। ये करने के बाद टेम्पलेट को फ्लिप करें और दूसरे आधे हिस्से पर भी 3 बिंदुओं को चिन्हित करें। फिर टेम्पलेट को हटा दें और रूलर की मदद से 2 नॉच और 1 डार्ट को त्रिकोण डार्ट बनाने के लिए दिखाए अनुसार जोड़ें। ऐसा दोनों साइड्स के लिए करें। सुनिश्चित करें कि आपकी लाइनें सीधी हैं। अब हमें इन डॉट्स को सिलना है। वीडियो में दिखाए अनुसार 2 किनारों को मिलाएं और लाइन पर सिलाई करें। टांके को मजबूत करने के लिए रिवर्स टांके लगाना ना भूलें। धागा काटें और दूसरी तरफ भी ऐसा ही करें। लाइन को मिलाएं और उन पर सिलाई करें। ये करने के बाद सभी अतिरिक्त धागा काट लें। आपके फ्रंट का टुकड़ा पीछे से और सामने से इस तरह दिखना चाहिए। अब बैक का टुकड़ा लें और पिन निकाल दें। हमारे फ्रंट के टुकड़े के विपरीत पीछे के टुकड़े पर अस्तर को छोड़कर 2 अलग अलग खंड है। यदि आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है, तो यह ब्लाउज का खुला हिस्सा है जो जिपर के साथ बंद होगा।
फ्रंट के टुकड़े की तरह। मुख्य सीक्वन कपड़े के उल्टे हिस्से को साटन के अस्तर के कपड़े के सीधे हिस्से पर रखें। अब हम अस्तर को मुख्य कपड़े से सब तरफ सिल के जोड़ देंगे। एक बार फिर कपड़े को अपनी उषा वंडर स्टिच प्लस सिलाई मशीन पर ले जाएं और एक टुकड़े को सिलना शुरू करें। वीडियो में दिखाए अनुसार सब तरफ सी लें। जब आप आखिर में पहुंचे तो पिवट टेक्निक का उपयोग करें ताकि यह एक निरंतर सिलाई हो। धागा काटें और दूसरे टुकड़े को सी लें। आपके दो सिले हुए टुकड़े इस तरह दिखने चाहिए। अब बैक डार्ट्स पर काम करें। बैक टेम्पलेट को कपड़े पर रखें और टेम्पलेट पर इंगित तीन बिंदुओं को चिन्हित करें। टेम्पलेट को मोड़ें और दूसरे टुकड़े पर भी निशान लगाएं। ये करने के बाद चिन्हित डार्ट बिंदुओं को जोड़ने के लिए रूलर का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि आपने एक सीधी रेखा को चिन्हित किया है। इन डार्ट्स को सिलने के लिए नीचे के डार्ट बिंदुओं को संरेखित करें और कपड़े को दिखाए अनुसार मोड़ें और आप चिन्हित लाइन पर सी लें। इस चरण के लिए रिवर्स टांके आवश्यक हैं। इसी प्रक्रिया को दूसरे टुकड़े पर दोहराया जाएगा। सभी अतिरिक्त धागे काट लें। हमारे सिले हुए डार्ट्स इस तरह दिखने चाहिए। स्टेप 3, कंधों और साइड सीमों को सिल के फ्रंट और बैक के टुकड़ों को जोड़ना। सूची में अगली बारी कंधों को जोड़कर फ्रंट और बैक के टुकड़े को जोड़ना है। बैक के दो टुकड़ों को फ्रंट के टुकड़े पर रखें। सीधा हिस्सा आमने सामने हो और दोनों कंधों पर पिन लगा दें। कंधे के किनारे को प्रेसर फुट के साथ संरेखित करें और सिलाई शुरू करें। दूसरे कंधे पर भी ऐसा ही करें। ये हमारे सीधे टांके हैं, लेकिन किसी भी किनारों को उधड़ने से रोकने के लिए अब हमें उनके ऊपर ज़िगज़ैग टांके लगाने होंगे। पैटर्न सिलेक्टर डायल को सी पर और स्टिच लेंथ को 1.5 पर सेट करें और कंधों के किनारे पर सी लें। ध्यान दें कि ज़िगज़ैग टांके लगाने के बाद रिवर्स टांके की आवश्यकता नहीं होती। ये करने के बाद अतिरिक्त धागा काट लें। क्या अब कपड़ा ज्यादा अच्छा नहीं दिखता? सिलने के बाद दो टुकड़े ऐसे दिखेंगे। कंधों के बाद हम साइड्स को सी लेंगे। वीडियो में दिखाए अनुसार साइड्स पर पिन लगा दें और सीम अलाउंस पर सी लें। मटेरियल को प्रेसर फुट के नीचे रखें और पैटर्न सिलेक्टर डायल को ए पर रीसेट करें, जो कि स्ट्रेट स्टिच है, और स्टिच लेंथ को 2.5 पर करें। टांके को मजबूत करने के लिए शुरुआत और अंत में रिवर्स टांके लगाएं।
जब आप अंत में पहुंचें, तो प्रेसर फुट को उठाएं, धागे को काटें और दूसरी तरफ सी लें। सिलाई की इसी समान प्रक्रिया को दोहराएं। आपकी सिलाई इस तरह दिखनी चाहिए। स्टेप 4, बायस स्ट्रिप को आर्म होल और निचले हेम से जोड़ना। हमारे ब्लाउज की बुनियादी संरचना तैयार है। सूची में अगली बारी बायस स्ट्रिप को जोड़ना है। एक स्ट्रिप नीचे जाएगी और बाकी के दो का इस्तेमाल आर्म होल के लिए किया जाएगा। बायस स्ट्रिप का लगभग 3/4 इंच छोड़ें और दिखाएं अनुसार आर्म होल के आसपास स्ट्रिप का सीधा हिस्सा कपड़े के सीधे हिस्से पर रखें। इसे प्रेसर फुट के किनारे पर संरेखित करें और सिलाई शुरू करें। जब आप वहां पहुंचने वाले हों जहां शुरू किया था, तो रुकें। स्ट्रिप को जॉइंट तक संरेखित करें और दिखाए अनुसार बायस स्ट्रिप को लंबाई में सी लें। आधा इंच अतिरिक्त छोड़ के अतिरिक्त स्ट्रिप को काट दें। अब बचे हुए 2 इंच को सी लें और बायस स्ट्रिप के सीम को भी समतल करें और उस पर सिलाई करें। ये करने के बाद दूसरे आर्म होल को सी लें। इसी प्रक्रिया को दोहराएं। हमारे आर्म होल बन गए हैं। अब हम ब्लाउज के निचले हिस्से की ओर चलते हैं। बायस स्ट्रिप को आधे में मोड़ें, उल्टा हिस्सा आमने सामने हो और इसे ब्लाउज के नीचे के निचले हिस्से के दूसरी तरफ रखें। बायस स्ट्रिप का मुड़ा हुआ हिस्सा ऊपर हो और खुले हुए किनारों नीचे। दिखाए अनुसार ब्लाउज के निचले किनारे को अंदर की तरफ 1/2 इंच मोड़ें। शुरुआत में स्ट्रिप का लगभग 3/4 इंच छोड़ दें। कपड़े को प्रेसर फुट के नीचे सेट करें और सिलाई शुरू करें। सुनिश्चित करें कि आप स्थिर हाथों से काम कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि बायस स्ट्रिप सही ढंग से मुड़ी हो। ब्लाउज के फ्रंट के एक साइड से बैक तक और फ्रंट के दूसरे खुले हुए साइड तक सब तरफ सी लें। जब आप खुले हुए हिस्से के दूसरे किनारे पर फिर से पहुंचे, तो अंत में 2 इंच की स्ट्रिप छोड़ दें और सभी अतिरिक्त बायस स्ट्रिप को काट लें। ये करने के बाद हम आर्म होल और नीचे लगे बायस स्ट्रिप पर टॉप स्टिच लगाएंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि सर्कुलर स्ट्रिप सपाट रहे और एक अच्छा फिनिश मिले। वीडियो में दिखाए अनुसार सी लें। दूसरे आर्म होल पर भी टॉप स्टिच लगाएं। सभी अतिरिक्त धागे को काटें और ब्लाउज के निचले भाग पर जाएं। सुनिश्चित करें कि नीचे के बायस स्ट्रिप का तह सपाट है और यहां तक कि जब आप उस पर टॉप स्टिच लगाएं तब भी। आपकी सिलाई आखिर में इस तरह दिखनी चाहिए। ये आर्म होल है और ये ब्लाउज के निचला हेम है। स्टेप 5, जिपर लगाना। अगला चरण जिपर को ब्लाउज के साथ जोड़ना है। एक 14 इंच का खुले मुंह वाला मेटालिक जिपर लें। इसे लगाने के लिए ब्लाउज के पीछे के हिस्से को 1/2 इंच मोड़ें और दिखाए अनुसार इसे जिपर के दाएं साइड के ऊपर रखें और पिन लगा दें। सुनिश्चित करें कि पिन तह और जिप दोनों में लगा हो ताकि यह सही जगह रहे। जिप को पूरी तरह से खोलें।
ब्लाउज घुमाएं और दूसरे खुले छोर पर काम करें। अब दूसरे भाग को आधा इंच मोड़ें और इसे जिप के दूसरे छोर पर रखें। मुड़ा हुआ किनारा जिप के दाईं ओर रखा जाएगा। आसानी से सिलने के लिए इसमें पिन लगा दें। अब जिपर बंद करें और हम इसे कपड़े में जोड़ने के लिए पिन किए गए भाग के साथ साथ सी लेंगे। ब्लाउज को अपनी सिलाई मशीन पर ले जाएं। आसानी से सिलने के लिए जिप को एक बार फिर से खोलें और नियमित प्रेसर फुट को हटा के उषा जिनोमी सिपर फुट लगा लें। ये करने के बाद कपड़े के किनारे को प्रेसर फुट से संरेखित करें और सिलाई शुरू करें। रिवर्स टांके लगाना ना भूलें। हाँ, ये जिपर जोड़ने के समय भी महत्वपूर्ण है। धागा काट लें और जिप के दूसरी तरफ भी सी लें। नीचे की तरफ सिलने के साथ साथ पिन निकालते रहें। जोड़ा गया जिपर आसानी से खुलना चाहिए बिना किसी कपड़े के बीच में आए हुए। स्टेप 6, कॉलर बनाना। जिपर लगाने के बाद हम कॉलर बनाएंगे जो इस ब्लाउज का मुख्य आकर्षण है। आपके पास मुख्य सीक्वेंट कॉलर का टुकड़ा, दो अस्तर के कपड़े के कॉलर के टुकड़े और दो इंटरलिंकिंग फ्यूजिंग कॉलर के टुकड़े होने चाहिए। अब हमें फ्यूजिंग कपड़े के चमकदार और उल्टे हिस्से को अस्तर के कपड़े के उल्टे हिस्से पर इस्त्री करना है ताकि यह चिपक जाए और अतिरिक्त स्थिरता प्रदान करें। बस कपड़े को इस्त्री करने की टेबल पर रखें, फ्यूजिंग साइड ऊपर हो और उसके ऊपर इस्त्री करके चिपका दें। यह दोनों टुकड़ों के लिए अलग अलग किया जाना चाहिए। अब अस्तर के एक टुकड़े को घुमाएं, सीधा हिस्सा ऊपर हो और मुख्य कपड़े को इसके ऊपर रखें, सीक्वेंट साइड आपकी तरफ हो। अब दूसरे अस्तर के कपड़े के सीधे हिस्से को दिखाए अनुसार मुख्य कपड़े के ऊपर रखें। ये करने के बाद हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ सी लेंगे। कॉलर पर पिन लगा दें। सुनिश्चित करें कि बीडेड पिन सभी कपड़ों में लगा हो। सिलने से पहले सिपर फुट हटा के नियमित फुट को लगा लें। फ्यूजिंग कपड़े से सिलाई करना शुरू करें। सुनिश्चित करें कि आप कपड़े के ऊपर से सिलना न शुरू करें। जब आप इंटरलाइनिंग फ्यूजिंग के आखिर तक पहुंचे तो कपड़े को मोड़ लें। हम कॉलर मटेरियल को एक निरंतर सिलाई के साथ सी लेंगे, लेकिन केवल तीन तरफ से। आप देखेंगे कि क्यों। ये करने के बाद अतिरिक्त धागे को काट लें और पीस को हटा दें। कपड़े के उस साइड पर नॉच बनाएं जो हमने अभी सीला है। किनारों को ऊपर से तिरछा काटें जैसा वीडियो में दिखाया गया है। याद रखें कि टांके न काटें।
पूरे में नॉच बनाना जारी रखें। यह सर्कुलर स्टिच को समतल करने में मदद करेगा। नॉच बनाते वक्त एक बार फिर याद रखें कि टांके को न काटें। अब कॉलर को अंदर की तरफ से बाहर की तरफ मोड़ें, जैसे वीडियो में दिखाया गया है। कॉलर के सीधे हिस्से को ब्लाउज के सीधे हिस्से की तरफ रखें। कॉलर के किनारे को जिपर के किनारे के साथ संरेखित होना चाहिए, जैसा वीडियो में दिखाया गया है, और पिन लगा दें। और कॉलर को सब तरफ पिन लगाएं। ये करने के बाद अतिरिक्त जिप को काट दें। आसानी से सिलने के लिए जिप खोलें और कॉलर के किनारे को जिपर फुट से संरेखित करें और सिलाई शुरू करें। दूसरी तरफ सिलने के साथ साथ पिन निकालते रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने कॉलर को सिल लिया है और जोड़ दिया है। स्टेप 7, हैंड हेमिंग से कॉलर, आर्म होल और नीचे के हिस्से को फिनिश करना। अब एक अच्छे फिनिश के लिए हम कॉलर के खुले किनारों को हाथ से सी लेंगे। कॉलर बनाने के बाद हम बायस स्ट्रिप को अंदर की ओर मोड़कर और उसके ऊपर सिलाई करके आर्म होल और निचले हिस्से को हेम करेंगे। नीचे अतिरिक्त बायस स्ट्रिप को अंदर की ओर मोड़ें और इसके ऊपर सी लें। आखिर तक पहुंचने तक सिलते रहें। जब ये चरण पूरा हो जाए तो दो हुक लें और उन्हें सही फिट के लिए ब्लाउज के कॉलर के साथ जोड़ें। हुक की आई सिलना न भूलें।
अब आपका ब्लाउज पूरा हो गया है। हम इसे हल्की साड़ी के साथ स्टाइल करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ब्लाउज खुद आपके लुक में एक वाव एलिमेंट जोड़ता है। यह आपके सबसे अच्छे दोस्तों की शादी में या अपने परिवार के समारोह में पहनने के लिए एकदम सही है।